है। प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट का अवैध धंधा करने वालों और हलाल सर्टिफिकेट देने वाले नौ कंपनियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में चार कंपनी समेत नौ लोगों पर एफआईआर दरअसल दर्ज की गई है। कंपनियां जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है वो चार हैं और नौ लोग हैं जिन पर एफआईआर दर्ज की गई है। हलाल सर्टिफिकेट देने वाली कंपनियों पर आरोप ये है कि वो लोग 85% लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन कंपनियों पर राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही इन कंपनियों पर आतंकी फंडिंग कनेक्शन के भी आरोप लगते रहे हैं। सरकार का कहना है कि कुछ कंपनियों ने हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गोरख धंधा चला रखा था, जिसमें डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड किया जा रहा था। हलाल सर्टिफिकेट का धंधा करने वाली कंपनियों पर बैन की कार्रवाई भी की जा सकती है। इस्लामी धर्मशास्त्र में जिन चीजों को हराम बताया गया है उन्हें करने की मनाही होती है, वहीं हलाल जो चीजें हैं वो करने की इजाजत होती है। आम तौर पर अगर आप सीधे भाषा में ये कहें तो हलाल खाने पीने की चीजों और जानवरों की वध प्रक्रिया पर लागू होता है। हलाल सर्टिफाइड का सीधा मतलब है कि वो प्रोडक्ट इस्लामी मान्यताओं के अनुसार बनाया गया है और आमतौर पर हम कई प्रोडक्ट्स में हलाल सर्टिफाइड स्टाम्प देखते हैं। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसी ट्रस्ट कैसे किसी चीज को सर्टिफाइड कर सकती है जबकि भारत सरकार या राज्य सरकारों ने हलाल को अपने तौर पर मान्यता नहीं दी है। अब हजरतगंज लखनऊ में एफआईआर दर्ज हो गई है। ऐसे में बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कैसे सर्टिफिकेशन का बड़ा धंधा अब तक चल रहा था और आखिर अब तक किसी ने इस पर गौर क्यों नहीं फरमाया। हलाल प्रोडक्ट के अवैध धंधे पर कार्रवाई को लेकर तमाम सियासी दल और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने जहां सरकार से मिलावट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही, वहीं बीजेपी का ये कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर होगी। खराब है और ऐसे जितने भी पाए जाएंगे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से हम तो मुख्यमंत्री धन्यवाद देते हैं कि जांच कराते हैं, जो दोषी पाया जाता है कितनों रसूखदार हो उन्हें सजा मिलनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। सरकार केवल हिंदू मुसलमान के मुद्दे से इस विषय को देखना चाहती है और इस विषय पे टिप्पणी भी करेगी, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है मिलावट का, फर्जी सर्टिफिकेट का, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। जब शिकायतें मिल रही थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसका संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर के एक एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी और जांच के आधार पर जो लोग दोषी निकल करके आएंगे उनके खिलाफ ठोस और कठोर कार्रवाई होगी। और योगी सरकार जो है जो भी काम कर रही है वो ठीक कर रही है, क्योंकि जितने भी फर्जी चाहे लोग काम करते हों या फर्जी किसी तरीके से फंसाया जा रहा हो, अगर उनकी जांच हो रही है तो अच्छी बात है। हम तो जो है कानून के साथ में हैं, क्योंकि हमारा तो यही मानना है कि सरकार जो भी कदम उठा रही है सोच समझ के उठा रही है, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और उससे जब जो है गलत काम बंद होंगे तो लोगों का फायदा होगा। देखिए तो चूँकि योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से शक्ति की और पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक ही थाने की बात नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जो जब से उन्होंने यह कारभार संभाला है और 17 से लेकर के आज तक में जो भी देखा जा रहा है, फर्जी जितने भी फर्जीवाड़े हो रहे हैं वो चाहे हलाला का फर्जीवाड़ा हो, चाहे सर्टिफिकेट जिससे संबंधित भी हों, और आप देखें जितने भुचलखाने हों, इस सबको उन्होंने जो फर्जी चला रहे थे सब कुछ बंद करने का, निरस्त कार्य करने का काम किया योगी आदित्यनाथ ने।